नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश नेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणालियां, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणालियां टॉपिक हमारा पूर्व में चल रहा है, पूर्व में इसका अध्ययन हमारा शुरू है। इस अध्ययन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था का पूर्व है, इसमें हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन कर लिया। संस्थात्मक शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था का हमने अध्ययन पूर्ण कर लिया। अब जो अध्ययन हमारा चल रहा है वो चल रहा है अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का हमें जो अध्ययन करना है उसमें जो टॉपिक है उसमें नंबर एक टॉपिक हमारा ये आता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक नंबर पॉइंट ये आता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं वाला टॉपिक है ये। हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ लिया, विशेषताओं में हमने किया था कार्यपालिका व्यवस्थापिका का पृथक्करण, नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं, कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। फिर हमारा था इसी में संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर, ये टॉपिक भी हमने कर लिया, इसका अध्ययन भी हमने कर लिया कल या इससे पहले वाले वीडियो में। फिर उसके बाद था हमारा जो टॉपिक था, उसके बाद जो हमें टॉपिक करना था अध्यक्षात्मक शासन के गुण, ये टॉपिक हमें आज से करना है। ये टॉपिक हमने कल वाले वीडियो में कर लिए थे। आज हमारा है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के गुण, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के गुण कौन कौन से है, गुणों के बारे में बात करनी है, गुणों के बारे में हमें अध्ययन करना है। गुणों की बात करते हैं हम, संस्था अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में कई गुण हैं। नंबर एक है शासन में स्थायित्व, नंबर एक आता है शासन में स्थायित्व, शासन में स्थायित्व, शासन में स्थायित्व, शासन में स्थायित्व की बात करते हैं, शासन में स्थायित्व के गुण की बात करते हैं। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, कार्यपालिका का प्रधान एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, निश्चित समय के लिए किया जाता है। पहला गुण इसका है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कि शासन में स्थायित्व का गुण पाया जाता है, शासन स्थायी होता है, शासन में एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इस अवधि से पूर्व अध्यक्ष को हटाया नहीं जा सकता, अर्थात इस अवधि से पूर्व दोनों में से किसी भी अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता। इस कारण पर राष्ट्रपति व मंत्री दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर निश्चित रूप से उसके आधार पर कार्य करते हैं, ऐसा केवल उसी समय किया जा सकता है जब शासन में स्थायित्व हो, क्योंकि शासन में स्थायित्व होगा तो ये निश्चित समय दीर्घकाल तक अपनी योजनाएं बना सकेंगे। वस्तुतः शासन में स्थायित्व अध्यक्षता, शासन में स्थायित्व अध्यक्षतात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है। 5 जनवरी 1970 को अखिल भारतीय आदर्श संसद के समापन भाषण पर, समापन समारोह पर भाषण देते हुए श्री मोहम्मद करीम छागला ने कहा कि अध्यक्षात्मक पद्धति व्यवस्थापिका के नियंत्रण में स्वतंत्र स्थायी कार्यपालिका की व्यवस्था कर स्थायित्व प्रदान करती है। अध्यक्षात्मक शासन इसी गुण के कारण अनेक व्यक्तियों द्वारा भारत में अपनाने पर बल दिया जाता है। नंबर दो है शासन में कुशलता, नंबर दो है इसका शासन में कुशलता, शासन में कुशलता। दूसरा मुख्य गुण है
शासन में कुशलता, कार्यपालिका शक्ति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण कार्यपालिका अधिक साहस और स्वतंत्रता पूर्वक प्रशासन संबंधी कार्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें विधायी कार्यों में भाग लेने और लोकप्रिय होने के लिए समय नहीं खर्च करना पड़ता, इसलिए वे अपनी संपूर्ण शक्ति और समय का उपयोग शासन कार्यों में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्यतः राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हैं। विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुशल शासन होता है। इस संबंध में मेरिटर ने दो लोगों से चर्चा की है, उनके शब्दों में कह सकते हैं, इस व्यवस्था में मंत्रियों को बार बार व्यवस्थापिका में नहीं जाना पड़ता, इससे वे शासन संबंधी कार्यों को अच्छी प्रकार से करते हैं। दूसरी ओर व्यवस्थापिका के सदस्य भी पूर्ण रूप से मस्तिष्क विधि में निर्माण में लगाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी विशेष कार्य से मतलब नहीं होता। नंबर तीन, प्रशासन में एकता। तीसरा है प्रशासन में एकता। इस शासन व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति, इस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। उसे किसी शासन नीति के अनुसरण के लिए व्यवस्थापिका की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती, अतः प्रशासन में पूर्ण एकता बनी रहती है। प्रशासनिक एकता के कारण संकट काल में यह पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसे असाधारण अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार शीघ्र निर्णय कर सकता है। नंबर चार, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन। इस शासन व्यवस्था की अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में लोकतंत्रवाद के उस सिद्धांत के अधिक अनुकूल है जिसे हम शक्ति पृथक्करण कहते हैं, यानी अलग अलग सरकार के अंगों को अलग अलग शक्तियां दी गई, क्योंकि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में अनेक त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक समझा जाता है, इसलिए इस सिद्धांत का पालन भी इस शासन व्यवस्था का एक बड़ा गुण कहा जा सकता है। नंबर पांच, दलबंदी की बुराइयां कम। दलबंदी की बुराइयां कम। जिस शासन व्यवस्था में अर्थात संस्थात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण वहां दलबंदी की भावना रहती है। दलबंदी से लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दलबंदी की बुराइयां कम हैं। यद्यपि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देशों में सुसंगठित राजनीतिक दल होते हैं, पर वे दल केवल निर्वाचन के समय ही सक्रिय होते हैं, केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का आंदोलन राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि से पूर्व उसके पद से नहीं हटा सकता, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद दलबंदी की भावना प्रकट होने के विशेष अवसर नहीं रहते। निर्वाचित हो जाने के बाद राष्ट्रपति दलबंदी से अलग होकर अपने कार्य कर सकता है। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दलबंदी की बुराइयां कम हैं और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होता है, राष्ट्रीय एकता होती है। नेक्स्ट है हमारा बहुदलीय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयुक्त। बहुदलीय प्रणाली के लिए
अत्यंत उपयोग, बहुदलीय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयोग। जिस देश में बहुदलीय प्रणाली हो वहां संसदीय पद्धति में सरकार बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है, प्रजातंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। बहुदलीय प्रणाली में तो लोकतंत्रीय शासन का अध्यक्षात्मक रूप भी, लोकतंत्रीय शासन का अध्यक्षात्मक रूप भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। सातवां है योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण संभव। योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल, योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत निर्माण, मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय हमें दूसरी बातें यह ध्यान रखनी होती है कि किस क्षेत्र का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। और सामान्यतः राजनीतिक दल के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। इन सदस्यों को के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जिन जिन योग्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहे उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। इस प्रकार श्री ब्रजमोहन नेहरू के शब्दों में राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकता है। नंबर आठ, संकट काल में श्रेष्ठ, संकट काल में श्रेष्ठ, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति संकट काल में श्रेष्ठ है। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह है, सबसे बड़ा फायदा यह है, यह व्यवस्था संकट काल में अत्यधिक श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक सरकार स्थायी और मजबूत होती है, स्थायी और मजबूत होने के कारण संकट काल का मजबूती से सामना कर सकती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य में सरकार का कोई दूसरा अंग आवश्यक रोड़ा नहीं अटका सकता है, क्योंकि इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। और अकेला राष्ट्रपति कार्यपालिका में जिस प्रकार का निर्णय लेना चाहे ले सकता है। इस बातों के कारण गिलक्राइस्ट ने इसे युद्ध तथा अन्य संकट काल शक्तियों में अच्छी सरकार मानते हैं। नंबर नौ, कार्यपालिका विधानमंडल पर छाने से, कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती, कार्यपालिका विधानमंडल पर छा नहीं सकती, कार्यपालिका विधानमंडल पर ठीक प्रकार से प्रभाव नहीं डाल सकती। अध्यक्षात्मक सरकार शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग संगठित होती है। इसके अंतर्गत दलीय आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर छा नहीं सकती, व्यवस्थापिका स्वतंत्रतापूर्वक कानून निर्माण का कार्य करती रहती है। नेक्स्ट हमारा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष, अवगुण क्या क्या है, हानियां क्या क्या है। इन गुणों के अलावा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोष भी है, दोष भी है। पहला दोष यह है कि प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। पहला है प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध, प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। पहला तो अवगुण यह है कि प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। वर्तमान समय में प्रशासन के संबंध में
आंगिक एकता पाई जाती है। आंगिक एकता का प्रतिपादन किया गया है कि सरकार के सब अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में आंगिक एकता पाई जाती है, जिसके अनुसार प्रशासन में भी मानवीय शरीर के समान ही एकता और अंगों में परस्पर निर्भरता रहती है। परस्पर निर्भरता रहने से प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। इस शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यह है कि प्रशासनिक एकता नहीं पाई जाती, क्यों प्रशासन से संबंधित सारे अंगों में आंगिक एकता सिद्धांत का पालन किया जाता है। जिस प्रकार मानव के शरीर में सभी अंग समान एकता तथा अंगों में परस्पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था इस सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंध नहीं रखती। नंबर दो, विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव। विधायी और विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव। विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रमुख दोष विधायी और कार्यपालिका विभागों में सहयोग और सामंजस्य का अभाव, जिसमें कानून निर्माण और प्रशासन दोनों प्रकार के कार्य ठीक से नहीं हो पाते। वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य इतना अधिक जटिल हो गया है कि कार्यपालिका के अधिक योग्य और अनुभवी सदस्यों के बिना व्यवस्थापिका इस प्रकार के कार्यों को ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रशासन जनसाधारण के हित में इसके लिए व्यवस्थापिका के सदस्यों का परामर्श अत्यंत उपयोगी होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति नहीं रखते, तो प्रशासन के इन दोनों ही विभागों का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अध्यक्षात्मक शासन में तो अनेक बार शासन के इन दोनों विभागों में सहयोग के स्थान पर उग्र विरोध दिखाई पड़ता है। यदि राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल का और व्यवस्थापिका के दूसरे राजनीतिक दल का बहुमत है, तो दोनों पार्श्विक विरोध की ऐसी प्रवृत्ति अपना लेते हैं कि जो शासन व्यवस्था के में अवरोध पैदा करते हैं, गत्यावरोध उपस्थित हो जाता है। अमरीकी संविधान के इतिहास में ऐसा राष्ट्रपति विल्डन ट्रूमैन तथा आइवर हार के समय में गत्यारोध उपस्थित हुआ था, जो 1975 की स्थिति देखी जाएगी। नेक्स्ट जो दोस्त है, विदेशी संबंधों के संदर्भ में कठिनाई है। विदेशी संबंधों के संचालन में कठिनाई। अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका का कार्य के साथ संबंध न होने के कारण शक्तिशाली विदेश नीति अपने आप में कठिनाई पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्यपालिका द्वारा अपनाई गई विदेश नीति को व्यवस्थापिका में समर्थन प्राप्त न हो। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति विल्सन जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्रपति को राष्ट्रसंघ से संबंधित अपनी नीति में व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त नहीं था। राष्ट्रपति विल्सन चाहते थे अमरीका राष्ट्रसंघ का सदस्य बने, लेकिन सीनेट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नंबर 4, कम राजनीतिक शिक्षा। अध्यक्षात्मक का चौथी हानि यह है, कम राजनीतिक शिक्षा होती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सदस्यों से व्यवस्थापिका के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना भी की जाती है और मंत्रिमंडल के सदस्य इन आलोचनाओं का उत्तर देते हैं।
इन सब बातों में जनता की रुचि रहती है, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध नहीं होने के कारण जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। नंबर 5, निर्पुषता की आशंका। निर्पुषता की आशंका, निर्पुषता की आशंका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह शासन व्यवस्था निर्पुष हो सकती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्पुष हो जाने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो जाने के पश्चात न तो जनता उसे हटा सकती और न जनता के प्रतिनिधि उसे नियंत्रित कर सकते। यद्यपि राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग अत्यंत गंभीर अपराधों पर लगाया जा सकता है। व्यवहार में महाभियोग की प्रक्रिया बहुत कठिन है, अतः राष्ट्रपति बहुत सीमा तक निर्पुष आचरण कर सकता है। नंबर 6, परिवर्तनशीलता का अभाव। परिवर्तनशीलता का अभाव, परिवर्तनशीलता का अभाव। इस शासन में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार कार्यपालिका के प्रधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित अवधि से पूर्व दोनों को किसी को भी पद से नहीं हटाया जा सकता, चाहे जनता के विचारों और परिस्थितियों में कैसा ही अंतर क्यों ना हो। इस संबंध में बेजार्ट ने लिखा है कि आप अपनी सरकार से पहले निश्चित कर ले कि यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, यह आपकी इच्छा के अनुकूल है या नहीं, यह ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है या नहीं। इन सब बातों में अब आपको कोई वास्ता नहीं है कि कानून के अनुसार इसे आपको रखना पड़ेगा। नंबर 7, उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक दोष यह भी है, इसमें उत्तरदायित्व अनिश्चित रहते हैं। इस शासन व्यवस्था की बुराइयों का हम अध्ययन करते हैं तो बुराइयों में प्रशासन में निश्चित रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही स्वतंत्र कार्य करते हैं। यदि प्रशासन की कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है तो इसके लिए दोनों विभाग एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार दोनों विभागों में एक दूसरे को उत्तरदायित्व बढ़ाने की प्रवृत्ति रहती है और उत्तरदायित्व की इस अवहेलना से राज्य के हितों को हानि पहुंचती है। निष्कर्ष रूप से हम विवेचना करते हैं तो यह बात निश्चित आती है कि अगर हम दोनों व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था को उत्तम माने, निष्कर्ष परिणाम, निष्कर्ष में से हम दोनों व्यवस्थाओं को किस व्यवस्था को उत्तम माने तो यह बात निश्चित प्रकट होती है कि संस्थात्मक तथा दोनों व्यवस्थाओं में सबसे उत्तम व्यवस्था, सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे हमारी जो अच्छी व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। इस प्रकार हमने संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक व्यवस्था का अध्ययन किया। संस्थात्मक व्यवस्था का अध्ययन पूर्व वाले वीडियो में कर लिया। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हमने विशेषताओं को देखा, इनकी अध्यक्षात्मक संस्था का अंतर देखा। गुणों में हमने 9 गुणों की बात की और 7 दोषों की बात की। गुणों में पहला गुण था शासन में स्थायित्व, दूसरा शासन में कुशलता, तीसरा प्रशासन में एकता, चौथा शक्ति पर तकर सिद्धांत की पालना, पांचवा दलबंदी की बुराइयां कम, छठा बहुदलीय प्रणाली के रहते उपयोग, सातवां योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण, आठवां संकट काल में श्रेष्ठ, नौवां कार्यपालिका विधानमंडल पर शामिल। दोष में हम बात करते हैं तो प्रशासनिक एकता सिद्धांत का विरोध, विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव, विदेशी संस्थाओं के संचालन में कठिनाई, कम राजनीतिक शिक्षा, निर्पुषता की आशंका, परिवर्तनशीलता का अभाव, उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यह शासन व्यवस्था संस्थात्मक शासन व्यवस्था से उत्तम है। थैंक यू, धन्यवाद।